कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनेगा कैसे और ट्रस्ट की रूपरेखा क्या होगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कई विशेषज्ञों की राय ली है, जिनके अनुसार राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट की तर्ज पर बनाया जा सकता है। हालांकि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में सिर्फ 6 सदस्य रहे, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट में सदस्यों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि राम जन्मभूमि न्यास और निर्मोही अखाड़े को तो राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया ही जाना है। इसके अलावा VHP और बजरंग दल जैसे कई और संगठन और पक्षकार भी हैं जिन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व देने का फैसला सरकार कर सकती है। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक सरकारी अधिकारी भी सदस्य हो सकता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नामित किया जा सकता है। संभावना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक सरकारी अधिकारी को राम मंदिर ट्रस्ट में सदस्य बनाया जा सकता है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी भी इस ट्रस्ट का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो अगले साल यानी 2020 में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। अब जब यह तय हो चुका है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो सवाल यह है कि राम मंदिर कैसे बनेगा और बनने के बाद कैसा दिखेगा। इसका नक्शा विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात के मशहूर वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा की मदद से तैयार करवाया था, जिनके दादा प्रभाशंकर सोमपुरा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के प्रमुख वास्तुकार थे। वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का जो नक्शा बनाया है उससे जुड़ी खास बातें आपको बताते हैं। राम मंदिर 2 मंजिला होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 126 फीट होगी। मंदिर के अंदर जाने के लिए 5 दरवाजे होंगे। मंदिर के 5 हिस्से होंगे, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कोली, गर्भगृह और परिक्रमा। भगवान राम की प्रतिमा नीचे वाले तल पर रहेगी। ऊपर वाली मंजिल पर राम दरबार बनेगा। राम मंदिर का फर्श बनाने के लिए संगमरमर का प्रयोग किया जाएगा। राम मंदिर में 212 खंबे होंगे, 106 खंबे ऊपरी मंजिल पर होंगे और 106 खंबे निचली मंजिल पर होंगे। हर खंबे पर 16 मूर्तियां होंगी। मंदिर में 2 घुमट भी होंगे। ये ऐसी जगह होगी जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं। 1 घुमट ढकी हुई होगी जबकि दूसरी खुली हुई होगी। मंदिर में कुल 24 दरवाजे होंगे, जिनकी चौखटें संगमरमर से बनेंगी। मंदिर का मुख्य गेट मकराना के सफेद संगमरमर से बनेगा। 1991 से संचालित राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का 70% से अधिक काम पूरा होने का दावा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले यहां पत्थर नक्काशी का काम रोक दिया गया था। मैंने कुछ समय पहले इस कार्यशाला का दौरा किया और राम मंदिर निर्माण के लिए चल रही तैयारियों का जायजा किया था। यह रिपोर्ट थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन आज के दिन बहुत प्रासंगिक है। राम मंदिर आंदोलन में जब से सियासत का अयोध्या कांड जुड़ा, तब से राम मंदिर का ये मॉडल तैयार किया गया है। आप इस मॉडल में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पिलर्स के जरिए राम मंदिर का निर्माण होगा और 2 तले होंगे इसके, 2 फ्लोर्स होंगे इसके। गर्भगृह को भी दर्शाया गया है इसमें। एक तरफ आंदोलन चलता है, सियासत चलती है और एक ओर ये कार्यशाला। एक प्राचीन मंदिर की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा और बिल्कुल उसी तरीके से इनका कटाव किया जा रहा है, पत्थरों को तराशा जा रहा है ताकि बस एक खांचे में फिट कर दिया जाए। जो आजकल के तरीके हैं कंस्ट्रक्शन के, वो नहीं आजमाए जाएंगे, बल्कि याद बिल्कुल वही त्रेता युग की रहे। दरअसल इन सब के बीच जो जानना अहम है वो ये कि लोग बताते हैं और यहाँ पर आने वाले पत्थरों की खेप भी बताती है कि या तो आंदोलन की शुरुआती दिनों में तेजी ऐसी देखी गई थी या फिर आज देखी जा रही है। राम मंदिर निर्माण को जन आंदोलन बनाने वाले लोग या तो दुनिया से कूच कर गए या राजनीति की मुख्य धारा के नेपथ्य में चले गए। सड़कों पर उतरा जुनून अदालत के फैसले के इंतजार तक पहुंच गया, लेकिन राम घाट के राम सेवकपुरम में काम कभी नहीं रुका। 1990 के बाद से लगातार मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक पत्थरों का आगमन और घिसाई का काम अयोध्या में निरंतर चलता रहा। लेकिन इस बार जो नया है और जो अलग है वो यहाँ के काम करने वाले लोग बताते हैं। अगर हम हर साल से तुलना करें तो इस बार क्या पत्थर ज्यादा आ रहे हैं, काम में तेजी लग रही है? बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
इस बार कुछ अलग है? अलग तो लग रहा है, पत्थर आने से देखो क्या होता है। प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल में करीब 2.25 लाख घनफुट लाल पत्थरों का इस्तेमाल होना है। वर्ष 1990 के बाद से अब तक करीब 1 लाख घनफुट पत्थरों की तराशी का काम पूरा हो चुका है, जिससे भूतल का निर्माण हो सकता है। वहीं अभी 75,000 घनफुट पत्थरों की तराशी होनी शेष है, जिन्हें यहां लाया जाना है। अब तक लाए गए पत्थरों से बीम के अलावा छत और छज्जों का निर्माण कराया जाएगा। इस साल अभी तक इस कार्यशाला में पत्थरों की जो खेप लाई गई है वो अब तक अप्रत्याशित है। यहाँ काम कर रहे लोग दावा करते हैं कि जैसे ही अदालत का फैसला आएगा 6 महीने के भीतर मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इस कार्यशाला की शुरुआत से यहाँ देख रेख कर रहे अन्नू भाई सोनपुरा बताते हैं कि इसमें कम से कम 4 साल का समय लगेगा। इतने दिन से निर्माण कर रहे हैं, ये जो पूरी हम सुंदर नक्काशी देख रहे हैं यहाँ पर, ये अगर मान लीजिए अदालत की तरफ से आपको मिल जाती है अनुमति, तब कितने दिन में निर्माण होगा? 4 साल लग जाएगा, क्योंकि इस पत्थर में पहुँचने में दिक्कत होती है, क्योंकि रास्ता भी खराब है। वहाँ जन्मभूमि पे पत्थर ये ले जाएंगे, क्रेन से चढ़ाएंगे, क्रेन से उतारेंगे, वो 2-3 ट्रक एक दिन में बहुत मुश्किल से पहुँचेगी वहाँ। और वैसे ढांचे का काम कितना हो गया है, कितने प्रतिशत कह सकते हैं? ढांचे का हमारे भाई 2 मंजिल का मंदिर है, 1 मंजिल का काम पूरा हो चुका है। अच्छा। और दूसरी मंजिल का गर्भगृह की दीवार भी तैयार है। हाँ, तो नीचे की मंजिल का काम पूरा, इतना पत्थर वहाँ पहुँचेगा लगने का, उसके बाद दूसरा काम बढ़िया कारीगर बढ़ाएंगे और जल्दी जड़ भी हो जाएगा। आपको लग रहा है आप जीते जी रामलला के दर्शन उनके मंदिर में? चाहते हैं कि हम जिंदा अब इतना साल निकल जाए, अगर 3-4 साल और निकल जाए, मंदिर बनना चालू हो जाए, फिर जाए तो कोई चिंता नहीं है। श्री राम के नाम के साथ जो ये ईंटें आप देख रहे हैं यहाँ पर, दरअसल जब शिला दान की प्रक्रिया शुरू हुई थी इस कार्यशाला के भी बनने से काफ़ी पहले, ये सभी ईंटें देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने दान यहाँ पर किए थे। हालांकि बताया जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में थे, श्रद्धावश कई लोग यहाँ से उठा उठा कर ले भी गए, लेकिन राम मंदिर बने ये जो आस्था लोगों में है, ये जो मांग है, और इसमें अगर आप विवाद भी जोड़ दें तो ये आज की बात नहीं है, 1-2 दशक की बात भी नहीं है, आज़ादी के बाद की बात भी नहीं है, ये तो अंग्रेजी शासन काल से पहले शुरू हुआ किस्सा है। सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सियारा।